वीडियो के अंदर हम 10,000 से लेके 50,000 तक आपको कैसे लोन मिलेगा एंड कुछ बेस्ट लोन एप्लीकेशन है जो आपको बताने वाला हूँ। साथ में आपको लाइव एक्सप्लेन भी करूंगा और लाइव आपको करके भी दिखाऊंगा कि कैसे आपको लोन अप्लाई करना है, जिसमें आपको 5 से 10 मिनट के अंदर आपको SBI मुद्रा लोन के जैसे आपको क्रेडिट हो जाएगा। इसमें आपको कोई भी सीबिल स्कोर की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं आपको इनकम प्रूफ की जरूरत पड़ेगी और नहीं किसी भी सैलरी स्लिप की आपको जरूरत पड़ने वाली है। सिर्फ आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड होना चाहिए, एक बैंक अकाउंट होना चाहिए एंड इससे आप 50,000 रुपए का लोन अप्लाई कर सकते हो और आपको इंस्टेंट लोन मिल जाएगा, ये मेरी गारंटी है आपको। एंड आपको इस वीडियो को आप एंड तक जरूर से देखना एंड वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना एंड आपको मोबाइल फोन की मदद से आपको मैं अप्लाई करके दिखाऊंगा कि कैसे आपको अपनी डिटेल फिलअप करनी है, कैसे आपको लोन लेना है। तो इसके लिए आपको लेके चलते हमारी मोबाइल स्क्रीन पे, वहां पे आपको लाइव एक्सप्लेन करता हूं कि कैसे आपको लोन अप्लाई करते हैं। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों सबसे पहले आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है एंड उसके बाद में अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद में आपको एक लोन अमाउंट सेलेक्ट करने का एक ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आप 1,00,000 तक इंस्टेंट लोन ले सकते हो और ये 5 मिनट या 10 मिनट के अंदर आपके अकाउंट में क्रेडिट भी हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो जितना अमाउंट चाहिए उतना आप सेलेक्ट कर सकते हो और जितना टाइम के लिए, मतलब कि आपको 1 साल तक के लिए यहाँ पे आपको लोन है जो आपको मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे आपको 50,000 लोन लेते हो तो उसकी 4673 रुपये की आपको पर मंथ की EMI पे करनी होगी एंड पर मंथ का जो इंटरेस्ट रेट है वो 2% रहेगा। ओके, और इसके नीचे आपको गेट स्टार्टेड इन 3 easy steps में आपको ये लोन मिलेगा, मतलब 3 steps आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी जिसमें आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन, फिर आपको ID कार्ड अपनी अपलोड करनी पड़ेगी, आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड बैंक स्टेटमेंट और लास्ट की स्टेप में आपको लोन अमाउंट सेंशन करने के लिए आपका अकाउंट नंबर डालना पड़ेगा एंड इसके बाद में आपको 5 से 10 मिनट के अंदर 50,000 का इंस्टेंट लोन मिल जाएगा। आप कैसे अप्लाई कर देंगे, कैसे आपको सैलरी स्लिप, कैसे आपको इसमें डिटेल अपनी फिलअप करनी है, वो सब के लिए आपको इस वीडियो को कंटिन्यू देखना होगा। एंड यहाँ पे आप कुछ चैनल पार्टनर भी देख सकते हो, यहाँ पे मेथड फाइनेंस है, IIFL है, ऑटोफेथ है, यहाँ पे SDB है, कई फाइनेंस इसके पार्टनर भी हैं। ओके, नीरा फाइनेंस इस एप्लीकेशन का नाम, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। कुछ ट्रिम्स एंड कंडीशन भी आएंगी, इनको आपको एग्री करना है, एग्री करके इनपे आपको अलाउ करना है ऑप्शन को। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर से लॉगिन करना है जो आपके आधार कार्ड से लिंक है। ओके, जो आपके आधार कार्ड से लिंक है वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे फिलअप करना है और फिलअप करने के बाद में आपको एक OTP सबमिट करना है। OTP यहाँ पे ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे OTP सबमिट करोगे एक नेक्स्ट स्टेप आपकी ओपन हो जाएगी, कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलने हैं, अगर आपके पास सैलरी स्लिप है तो आप सैलरी कर सकते हो, अगर आपके पास सैलरी स्लिप नहीं है, अगर आपके पास उद्यम सर्टिफिकेट है तो आपको नीचे ऑप्शन जो ऑप्शन आ रहा है ओन बिजनेस का सेल्फ एम्प्लॉयड पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सैलरी कैसे मिलती है, इसमें आपको ऑनलाइन मिलती है या फिर कैश मिलती है, तो यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट सेलेक्ट होना होगा और सैलरी आपको 35,000 प्लस रखनी। ओके, तो यहाँ पे मैं 35,000 अपनी सैलरी यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद में मैं प्रोसेस पे क्लिक करता हूँ। प्रोसेस पे क्लिक करने के बाद में अपनी एक ईमेल आईडी यहाँ पे आपको सेलेक्ट करनी होगी। ईमेल आईडी है जो अपनी मैं ब्लर कर देता हूँ यहाँ पे आपको, और अपना फुल नेम जो आपके आधार कार्ड में, पैन कार्ड में नेम है वो आपको यहाँ पे फुल नेम फिलअप करना होगा। उसके बाद में आपको एक डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन मिलेगा, डेट ऑफ बर्थ को आपको सेलेक्ट करना होगा एंड जैसे ही आप डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे उसके बाद में एक नया इंटरफेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जैसे आप प्रोसेस पे क्लिक करते हो। ओके, तो यहाँ पे अपना जो आपका कितना एक्सपीरियंस है बिजनेस में, तो यहाँ पे आपको कम से कम भी 2 साल दिखाना है जैसे मैंने आपको ऑप्शन यहाँ पे आपको बता रखे हैं। ओके, तो आपका जो पिन कोड है वो आपको पिन कोड यहाँ पे सेलेक्ट करना है। इसके बाद में आपकी सिटी नेम ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसके बाद में आपको जो उद्यम सर्टिफिकेट में जो नाम है बिजनेस का, तो मेरा नाम है किराना स्टोर। ओके, जो मेरा बिजनेस का नाम है किराने स्टोर, मैंने यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर दिया। इसके बाद में मैंने प्रोसेस पे क्लिक किया। अगर आपका जेंडर सेलेक्ट करना है मेल या फीमेल एंड मैरिज स्टेटस आपको सिंगल हो या फिर मैरिड हो। इसके बाद में आपका आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है या नहीं है, तो यहाँ पे आपको यस करना है क्योंकि मैंने अभी जो है आपको टेम्परेली दिखा रहा हूँ, आपको सिर्फ मैंने आपको एक फॉर्मेलिटी के लिए दिखाया है। ओके, यहाँ पे आपको अदर आपका कोई दूसरा लोन चल रहा है, आप इसमें EMI पे कर रहे हो तो कितने रुपए की आप पर मंथ की इसके अलावा आप पे कर रहे हो, तो यहाँ पे अगर आपको मेरा कोई लोन चल रहा है जिसकी 5,000 EMI आती है तो मैं इस ऑप्शन को यस करके 5,000 यहाँ पे आपको फिलअप कर दूंगा। अगर आपका कोई लोन नहीं है तो आपको यहाँ पे नो पे क्लिक करना होगा। फिर आपको यहाँ पे पूछेगा कि लोन पर्पज, तो आपको किस लिए लोन चाहिए, तो यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो इन्वेस्ट इन पर्सनल बिजनेस, तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है एंड इसके बाद में आपको डन पे क्लिक करना है। एंड डन पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे आपको प्रोसेस पे क्लिक करना है।
एंड प्रोसेस पे हम जैसे हम क्लिक करते हैं उसके बाद में जो हमारा पेज है वो लोडिंग होगा एंड इसके बाद में हमारा कितना अप्रूवल यहाँ पे एक्चुअली जो भी अप्रूवल हमारा आएगा यहाँ पे आपको शो करेगा। अगर आपका 1 लाख का अप्रूवल आएगा तो जो भी आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो देख सकते हो गाइज मेरा 1 लाख का अप्रूवल आया है और यहाँ पे आपको 12 महीने के लिए मेरे को लोन मिला है वो 9749 रुपये की मेरे को पर मंथ की EMI आएगी। एंड इसके साथ में मेरे को ऑटो डेबिट करना होगा। ऑटो डेबिट के लिए मेरे को अपना ATM कार्ड और ATM कार्ड का पिन नंबर चाहिए जिसमें मैं अकाउंट में मेरा लोन क्रेडिट